फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देख लेते हैं ये जो वर्ड है सेफ्टी वाल्व, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो देखिए, सेफ्टी वाल्व हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यूज होता है। कोई भी सिस्टम के अंदर अगर एक्सेस प्रेशर हो गया, जैसे हमारा बॉयलर के अंदर अगर एक्सेस प्रेशर हो गया, वो एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोग ये सेफ्टी वाल्व को यूज करते हैं। उसको एक डिजायर्ड प्रेशर पे हम लोग सेट कर देते हैं। उस प्रेशर पे आते ही हमारा कुछ पार्ट स्टीम क्या है, कुछ परसेंटेज में स्टीम को रिलीज आउट कर देता है, जिससे हमारा प्रेशर क्या है, कंट्रोल हो जाता है। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। तो ये बॉयलर पे एक्चुअली माउंट किया रहता है, इसलिए यह एक बॉयलर का माउंटिंग होता है जो कि सेफ्टी प्रिक्यूशन के लिए यूज होता है। क्योंकि अगर एक्सेस प्रेशर रिलीज कर दिया तो सेफ्टी प्रिक्यूशन किया, तो ये यूज होता है। ये जो सेफ्टी वाल्व है मेनली चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, चार टाइप का होता है। पहला जो है हमारा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है, और दूसरा जो है हमारा डेड वेट सेफ्टी वाल्व है, तीसरा जो देखने को मिलता है वो है लेवर सेफ्टी वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व बोलते हैं उसको, और चौथा जो होता है वो है हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल्व। ये होता है मेनली चार टाइप का स्प्रिंग। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का क्या फंक्शन है, जितने भी कंपोनेंट्स है उसका क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो ब्लू कलर का जो लाइन दिखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो कैप एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे सबसे टॉप मोस्ट सेफ्टी वाल्व के टॉप पे रहता है, जो कि इसको जो स्पिंडल है उसको मेनली ढकने के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसके नीचे हमारा ये लगा होगा, ये लीवर टाइप का, हैंडल टाइप का आपको दिख रहा होगा, इसको हैंड लीवर बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर हमारा सिस्टम को चेक करने के लिए, मैनुअली पॉपअप करने के लिए, मैनुअली इसको लिफ्टअप करने के लिए, जैसे कभी मान लीजिए हमारा सिस्टम ये सेफ्टी वाल्व वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये लीवर को जैसे ये करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे दो गो वाइसर रहता है, वाइसर क्या करेगा, स्प्रिंग को आउट कर देगा, जिसके चलते मैनुअली इसको लिफ्टअप करेगा, तो स्टीम हमारा रिलीज आउट हो जाएगा। मैनुअली इसको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, मेनली इसको नहीं किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपको ब्लैक कलर जो दिख रहा है, ब्लैक कलर ये वाला, इसको बोलते हैं स्प्रिंग एडजस्टर। स्प्रिंग एडजस्टर मतलब कि इसको हम लोग चकनट भी बोलते हैं, ये एक नट टाइप का होता है, चकनट भी बोलते हैं या स्प्रिंग एडजस्टर। का मतलब क्या हुआ कि हमको सेफ्टी वाल्व का जो सेटिंग करते हैं कि हमको कितना प्रेशर पे सेट करना है, मान लीजिए 65 पे हमारा सेट करना है, 68 पे सेट करना है, अगर मान लीजिए हमारा 65 पे सेट है, हमको 68 पे सेट करना है, यानी स्प्रिंग को टेंशन देंगे, स्प्रिंग के अंदर टेंशन देंगे, तो उसके नीचे क्या होता है, स्प्रिंग एडजस्टर के नीचे देखिए आपको देखने को मिलेगा ये ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं लॉक नट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लॉक, यानी इसको लॉक कर देगा, स्प्रिंग एडजस्टर को टाइट करने के बाद उसको लॉक कर देंगे तो वो ढीला नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लॉक नट को हम लोग ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, इसको ढीला करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा चकनट, ये हमारा इसको चकनट बोलते हैं, या आप इसको स्प्रिंग एडजस्टर बोल सकते हैं, स्प्रिंग एडजस्टर होता है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको ढीला करेंगे, ढीला इस डायरेक्शन में होगा और टाइट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। जब ये ढीला होगा उसके बाद अगर इसका कंप्रेशन बढ़ाना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी इस टाइप का घुमाएंगे, ठीक है। अगर हमारा इसका कंप्रेशन को ढीला करना, मान लीजिए 65 है, इसको हमको क्या करना है, 63 पे करना है, तो उस कंडीशन में पहले लॉक नट को ढीला कीजिए, जब ढीला करेंगे तभी ये ऑपरेट होगा। ये ढीला करने के बाद इसको फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और उसके बाद जब जितना पे आप सेट करना चाहते हैं हो गया, उसके बाद ये हमारा जो भी लॉक नट है उसको पूरा टाइट कर दीजिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि हमारा कितना पे ब्लो आउट हो रहा है, कितना पे हमारा जो हमारा ये सिस्टम है प्रेशर रिलीज कर रहा है। उसके बाद अगर ज़्यादा कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर से आप ये लॉक नट को ढीला कीजिए, और चकनट के द्वारा उसको टाइट करके क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज कब करेंगे, जब हमको प्रेशर कम करना है सेफ्टी वाल्व पे, अगर हमारा ज़्यादा करना है तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, तो उसके बाद हमारा जो भी है टेंशन आ जाएगा। तो देखिए,
ये जो है दो ब्लू कलर का, इसको वाइसर ही नॉर्मली बोलते हैं, इसको मेनी स्प्रिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। तो देखिए ये जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग। स्प्रिंग मेनली इसमें फंक्शन क्या है, इसको स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व बोल रहे हैं, यानी जो भी हम कंप्रेशन फोर्स देंगे कि हमारा ये जो यहां से हमारा क्या होता है स्टीम इन करता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है यहां पे, तो इतना फोर्स को ये क्या करता है कंप्रेस किए रहता है, नीचे की तरफ फोर्स दिए रहता है। तो जो फोर्स लगाते हैं यहां से हम लोग स्प्रिंग एडजस्टर के थ्रू जो टाइट करते हैं, यानी ये कंप्रेशन फोर्स कंटिन्यू उस पर अप्लाई किया रहता है कि जितना भी प्रेशर है उसको अपोज करें, तो ये है हमारा स्प्रिंग। तो देखिए स्प्रिंग को हम लोग एक ब्लू कलर में रखे हैं जिसको बोलते हैं स्प्रिंग हाउसिंग, मतलब उसका स्प्रिंग का घर, या उसको बोलते हैं बोनेट। ये है हमारा स्प्रिंग का हाउसिंग या स्प्रिंग, उसको बोनेट बोलते हैं। और ये जो रेड कलर का आपको ये दिख रहा होगा लंबा, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। स्पिंडल ये हो गया, ये हमारा जो नट है जो कि टाइट वाइट करने के लिए इसको बोनेट को, और ये हमारा है बॉडी जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बॉडी। बॉडी और ये बोनेट को टाइट करने के, एक दूसरे को बाउंड करने के लिए, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं नट और बोल्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया। देखिए अभी एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये और ये जो है अपर ब्लोडाउन रिंग। ब्लोडाउन रिंग को सेट, ब्लोडाउन को सेट करने के लिए, ब्लोडाउन क्या होता है कि जब भी हमारा स्टीम पॉपअप कर गया ठीक है, उसके बाद हमारा डाउन कितना में हो रहा है, कितना प्रेशर डाउन करके हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने सेट दिया कि 65 वर्किंग प्रेशर है, मैंने 70 केजी पे सेट दे दिया कि 70 केजी जैसे प्रेशर आए वैसे हमारा सेफ्टी वाल्व क्या है पॉप करना चाहिए, हमारा सेफ्टी वाल्व उठ जाना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए स्ट्रीम। लेकिन उसको डाउन होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, 70 है वो मान लीजिए 67 पे आके बंद हो रहा है, 60 कितना पे भी बंद हो रहा है, तो उस प्रेशर को हमको चाहिए कि जो 70 है वो हमारा आते ही 65 है लेकिन हम 66 पे ही आके बंद करना है, तो उस कंडीशन को हम लोग उस जो हमारा सेट प्रेशर जो है और रीसेट प्रेशर मतलब कितना पे आके बैठ रहा है, जो हमारा वाल्व है कितना पे आके बैठ रहा है, उन दोनों के बीच का प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लोडाउन प्रेशर। तो उस ब्लोडाउन को हम लोग क्या करते हैं सेट करने के लिए मेनली इस रिंग का इसका यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अपर ब्लोडाउन रिंग, और ये जो होता है हमारा नीचे साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं लोअर ब्लोडाउन रिंग। और ये जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क। तो डिस्क क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा ये है हमारा सीट ठीक है, और ये जो है हमारा इसको बोलते हैं इनलेट, या इसको हम लोग नोजल भी बोलते हैं, ये हमारा नोजल है और यहां से हमारा स्टीम क्या होता है आउट होता है ठीक है। ये वर्ड है सराउंड में, इसके बारे में अभी डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारा नोजल हो गया यानी स्टीम हमारा यहां से इन करेगा, और वहां पर ये जो ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सीट। सीट एक ऐसा मतलब सिस्टम, ऐसा प्लेस है जहां पे हमारा ये जो वाल्व है आके बैठ जाता है, सीट पे आके हमारा वाल्व बैठ जाता है, जिसके चलते हमारा एक दफ मतलब इनिशियली हमारा कोई गैप नहीं रहेगा, कोई भी हमारा स्टीम यहां से एग्जिट नहीं होगा। जब हमारा प्रेशर इसका जो सेट वैल्यू जो दिए हैं सेट वैल्यू उससे ज्यादा जब प्रेशर होगा तभी हमारा इसका प्रेशर, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, ये वाल्व जो हमारा लगा है डिस्क जो लगा है डिस्क पे, जब ये कंप्रेशन फोर्स से ज्यादा फोर्स स्टीम का फोर्स होगा तभी ये उठेगा, अगर इससे ज्यादा इधर से फोर्स देंगे तब ये उठेगा। मान लीजिए 70 केजी इधर दिए तो जब तक 70 नहीं आ रहे तब तक तो ये उठने का कोई चांस नहीं होता है, तो यह क्या करेगा स्टीम प्रेशर को अपोज करते रहेगा। लेकिन जैसे हमारा प्रेशर ज्यादा होगा वैसे यहां से हमारा प्रेशर क्या होगा रिलीज आउट होगा, और यहां से हमारा ऐसे पूरा निकल जाएगा। तो इसमें जो होता है यहाँ पे अभी हम लोग इसका बात कर लेंगे ब्लोडाउन रिंग के बारे में, कि देखिए ये जो रिंग है ब्लू कलर का यहीं पे रिंग एक लगा रहता है जिसको नीचे में लगा रहेगा, यानी वाल्व के डिस्क के नीचे जो लगा रहेगा उसको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लगा रहेगा ऐसे
पूरा ऐसे रिंग टाइप का लगा रहता है। देखिए इस डायग्राम को देखते ही आपको पता चल गया कि रिंग कैसा होता है। तो यहाँ पे जो रहेगा उसको बोलते हैं नोजल रिंग। ये जो रिंग यहाँ पे अगर रहेगा चारों तरफ सीट के चारों तरफ जो रिंग रहेगा उसको बोलते हैं नोजल रिंग। और जो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे ये मैंने ऐसे दिखाया है, एक यहाँ पे रिंग लगा रहता है जिसको हमारा डिस्क के ऊपर साइड में लगा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग गाइड रिंग। ठीक है, गाइड रिंग। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा ब्लोडाउन का प्रेशर 10 kg से आके डाउन हो रहा है, जैसे हमारा जितना पे भी हमारा लिफ्ट अप हुआ, रीसेट प्रेशर होने में, सेट प्रेशर और रीसेट होने में हमारा 10 kg लग रहा है। मान लीजिए हमारा 70 kg पे मैंने सेट प्रेशर दिया है, वो 70 kg के बाद हमारा जो डाउन हो रहा है, जो बैठ रहा है, वो हमारा 60 kg प्रेशर आने के बाद बैठ रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्लो डाउन। तो हमको क्या करना है कि इस ब्लो डाउन को कम करना है, हमको ऐसा करना है कि 65 आते ही बंद हो जाए, यानी 5 kg कम करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा गाइड रिंग है ना, गाइड रिंग, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। एक रिंग है, इसको जैसे हम लोग टाइट करेंगे, जैसे लोवर्ड करेंगे, तो क्या होगा कि जो स्टीम एस्केप होने का जो एरिया है, मतलब हमारा सीट और ये वाल डिस्क के बीच में जो स्टीम निकलता है, यहाँ से जो स्टीम निकलता है, उसका गैप को कम करेगा। तो जब गैप को कम करने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा ब्लोडाउन प्रेशर जो है वो कम होगा। तो जैसे हमारा जब इसको एक थ्रेड कम करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक थ्रेड हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने से क्या होगा, हमारा 10 kg है तो वो 8 kg आ जाएगा। वैसे ही और कम करेंगे तो हमारा धीरे धीरे कम होते रहेगा। तो मान लीजिए एक कंडीशन ऐसा आता है कि हमारा ये पूरा गाइडिंग को बंद कर दिए, पूरा हमारा पूरा नीचे की तरफ ला दिए, लोअर ला दिए, उसके बाद भी हमारा प्रेशर ब्लोडाउन जो है वो सेट नहीं हो रहा है, वो अभी भी ज़्यादा है, 10-12 kg ही है। तो उस कंडीशन में आप इसको नीचे वाले को ब्लोडाउन का जो रिंग है उसको आप छेड़छाड़ करेंगे, लोअर ब्लोडाउन रिंग को छेड़छाड़ करेंगे, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, लोअर्ड कर देंगे थोड़ा सा इसको, तब जाके क्योंकि ये पूरा टॉप मोस्ट पोजीशन में रहता है, ऊपर सबसे ऊपर रहता है, उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा ब्लोडाउन सेट होता है। तो देखिए यह जो है ब्लोडाउन का सेटिंग जो है बहुत कम ही हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं मेनली हम लोग यहीं से सेट करते हैं कि हमको कितना प्रेशर देना है। तो देखिए अभी हम लोग ये चीज देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीप बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम लोग श्राउड। यह क्या होता है, देखिए अभी हमारा फोर्स कितना पे लग रहा है, इतना एरिया पे लग रहा है, केवल इतना ही एरिया पे हमारा स्टीम का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसका एरिया हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, जो इसका स्टीम का फोर्स लगेगा, अब यहाँ पे पूरा इतना एरिया हो गया, उसको पहले इतना मिलता था, अब इतना एरिया मिल गया, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा स्टीम का प्रेशर जैसे ही इतना पूरा एरिया मिलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, हमारा जो इसका लिफ्टिंग फोर्स है, फोर्स बराबर क्या होता है, हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर इक्वल टू होता है। तो अगर हमारा फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो हम अगर प्रेशर मान लीजिए 70 kg है, अगर एरिया पहले हमारा इसका कुछ भी डायमीटर ले लीजिए आप, अगर इसका अगर फोर्स इस पे निकालना है कि ये वाल पे हमारा कितना फोर्स है, मान लीजिए डिस्क है 10 mm का डिस्क है, तो आप निकाल सकते हैं क्या निकाल देंगे, इसका पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 πd² होता है, तो 70 × 1/4 × 3.14 × 10 × 10 हो जाएगा। जो भी इसका निकालेंगे तो पता चलेगा कि जो फोर्स है इस, अगर ये कम एरिया रहेगा, ये कम एरिया रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो जल्दी कम ही फोर्स में क्या होगा, हमारा ये लिफ्ट अप कर देगा। तो उससे क्या होता है कि एक जो वर्ड होता है इसमें एक चैटरिंग वर्ड होता है, चैटरिंग, वो क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारा वाल्व जो है अप डाउन होता रहता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करता है। अगर ये क्या होता है कि पूरी फुल ओपन होता है, फुल क्लोज होता है, अगर एरिया इसको बढ़ा देंगे, सराउंड बढ़ा देंगे, तो हमारा वाल्व जो है, ये डिस्क जो है हमारा पूरा फुल ओपन होगा और फुल क्लोज होगा। तो हम लोग जो चैटरिंग प्रॉब्लम है उसको बचाने के लिए हम लोग मेनली इसका सराउंड जो है, इसका एरिया जो हल्का सा बढ़ा देते हैं, ताकि उस पर जो फोर्स है वो पूरा इक्वली हो और बहुत तेज़ी से पूरा उठाए,
डिस्क को और हमारा पूरा जब भी कंप्रेशन फोर्स लगे, जब हमारा स्टीम जितना भी एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज आउट होने के बाद जो हमारा स्प्रिंग का फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स है, वो ऐसे दबाए जिसके चलते हमारा ये सीट पे आके बैठ जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर बार बार मान लीजिए अगर अप एंड डाउन होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चैटरिंग, चैटरिंग प्रोसेस। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा सीट है, सीट और ये डिस्क दोनों एक दूसरे के फ्रिक्शन में बार बार फ्रिक्शन आता है, जिसकी वजह से वो डैमेज होने का प्रोबेबिलिटी होता है, जल्दी डैमेज हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा होता है मेन सिस्टम जो बॉयलर है, वहाँ ये इस पार्ट में जो प्रेशर पार्ट है वो यहाँ से कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको इनलेट सेक्शन बोल लेते हैं। और ये हमारा होता है आउटलेट, तो यहाँ पे हम लोग जो भी एग्जॉस्ट है वो हम लोग आउटलेट यहाँ से डिस्चार्ज बोलेंगे, कि डिस्चार्ज हमारा ये हो जाता है। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं, अगर प्रेशर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए इसको, पहले लकनट को ढीला कीजिए, उसके बाद ये जो हमारा स्प्रिंग एडजस्टर है यानी चकनट है उसको टाइट कीजिए, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो, अगर कम करना है तो इसको ढीला कर, इसको भी ढीला कीजिए, इसको भी ढीला कीजिए, इसको थोड़ा सा कम करके लकनट को टाइट कर दीजिए। तो ये चीज़ होता है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बोल्ट, एक जब भी हम एक गैगिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि जब भी हम कभी हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं, हाइड्रो टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सेफ्टी वाल्व को पूरा आइसोलेट करना है। तो उस कंडीशन में एक गैग डिवाइस होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे फिक्स करके और यहाँ पे ऐसे उसको फंसा देते हैं, जिसको क्या करता है पूरा सेफ्टी वाल्व को आइसोलेट कर देगा। उसके बाद आप सिस्टम में कितना भी प्रेशर ले जाइए कोई मतलब नहीं है। तो गैग का मेन पर्पस क्या होता है, सेफ्टी वाल्व को आइसोलेट कर देना। तो ये कब यूज होता है, जब भी हम हाइड्रो टेस्ट वगैरह करते हैं तभी भी हम लोग यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा इसको हटाने के बाद इस पर हम लोग गैग लगा देते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।